उस दिन हम शादी से लौट रहे थे, उनको तो जाना ही नहीं था। मैंने ही जिद कर दी, उनका पैर फिसला और फिर उठ ही नहीं पाए। जिंदगी जैसे पलट सी गई, जैसे ट्रेन पटरी से उतर जाती है ना, बस वैसे ही। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, इनके मेडिकल के खर्चे, मानो सर्वाइवल मुश्किल हो गया था। एक दिन बच्चों के साथ मैं स्कूल से लौट रही थी। छोटे बच्चे ने छोले कुलचे खाने की जिद की, खाते ही कहा कि मम्मा आपके जैसे छोले कुलचे कोई बना ही नहीं सकता। उसने तो शायद वैसे ही कह दिया होगा, पर वो बात मेरे दिमाग में अटक गई और बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं छोले कुलचे का ठेला डालूंगी। फैमिली में कई लोगों ने इस निर्णय का विरोध किया, कह रहे थे कि घर की बहू अगर बाजार में ठेला डालेगी तो उनकी इज्जत का क्या होगा, खानदान का नाम खराब होगा। पर फिर कई अपनों ने मुझे मदद की और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज मेरे बच्चों के साथ छोले कुलचे का मेरा ये स्टॉल कई लोगों का फेवरेट बन चुका है। मुसीबत कभी भी वार्निंग देकर नहीं आती, इस मुसीबत से कैसे निपटना है वो हम पर निर्भर करता है। अगर वो मेरा छोले कुलचे का ठेला नहीं होता तो शायद आज ये मेरा रेस्टोरेंट भी नहीं होता।